एक्सेलरेशन वाला, ये हार्ड जॉ आपको मशीन के साथ में मिलता है, एक सेट आता है उसका मशीन के साथ में। हार्ड जॉ का कट नहीं निकलता, इसका कट नहीं निकलता, इसको आप कभी भी कट नहीं डाल सकते हो, वैसे ही रहे हमेशा से, इसलिए हार्ड है। ये होगा तो यहाँ पे जॉब हम क्या करने वाले, पकड़ने वाले, जो किस प्रकार से पकड़ते हैं, उसमें सेट कैसे किया जाता है, वो आगे आपको मैं बता दूँगा। जब आप खरीदोगे तो कैसा होगा, पूरा रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा ऐसे, तो उसको बाद में हम लगाएंगे मशीन के अंदर, टूल होगा आपका, टूल से क्या करेंगे, इसका कट निकालेंगे और उसको साइज में बनाएंगे। इसका जो शेप है वो आप जॉब के अनुसार बना सकते हो, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको आप बना सकते हो। इसमें जॉब बिठाएगा, इस प्रकार से जॉब को ये पकड़ा जाएगा। तो कोई भी जॉब होगा तो उसका पीस यानी कि सब्जा आपको बनाना, ठीक है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, आपको बनाना। अभी इसका देखो, ये जो विड्थ है कुछ 30 mm का होगा, तो यहाँ पे हमने उसको 25 mm तक पकड़ा, क्योंकि मशीनिंग करते समय टूल यहाँ पे फॉल नहीं होना चाहिए। अगर ये लंबा होता है, मान लीजिए ज़्यादा है, तो क्या होगा, मशीनिंग के समय टूल यहाँ पे फॉल हो जाएगा, उसको लड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करना है, आपको थोड़ा कम रखना, 2 mm 5 mm से कम रखना, ठीक है। इस प्रकार से बना के लिए आप इसमें भी पकड़ सकते हो हार्ड जॉब, ठीक है ना, फर्स्ट साइड में। लेकिन जब आप सेकंड साइड करते हो तो ये मशीनिंग किया रहता है, अगर इसके ऊपर आप हार्ड जॉब से पकड़ोगे तो डेंट मार्क आएगा, बराबर है ना, कास्टिंग के ऊपर डेंट मार्क आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मशीनिंग एरिया के ऊपर अगर डेंट मार्क आता है तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसे कहते हैं टर्निंग टूल। अभी ये जो दिख रहा है ये टर्निंग टूल है, 10 mm, उसके बाद 14 और उसके बाद 17, ओके। इस प्रकार से आलंगी रहता है, क्या आलंगी इसमें हम डालेंगे और इसको क्या करेंगे, लूज करेंगे। कोई भी बोर्ड आपको निकालना है तो एंटी क्लॉक वाइज लूज होता है, ध्यान रखो, और क्लॉक वाइज टाइट होता है, यानी कि आप ध्यान में रखो। मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से घुमाना है, आलंगी लगाओ, इस प्रकार से आप ये भी बोल्ट निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, समझ में आ, ठीक है। अभी मेरा वर्किंग में है यानी कि काम चल रहा है उसका, सेटिंग में उसका इस्तेमाल मैंने किया है, तो मैं निकालूंगा। मान लीजिए वापस लगाना है आपको, वापस वहीं पे रख देंगे आप और वापस वहीं पे बोल्ट टाइट कर देंगे। टूल बिठाने के, ड्रिल बिट या जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी ये जो होल्डर है ये किसके लिए रहता है, तो बोरिंग बार पकड़ने के लिए या ड्रिल पकड़ने के लिए। और ये जो आपको स्क्वायर होल्डर दिख रहा है ये फेस ग्रू का है, यानी कि सामने वाला जब टूल पकड़ना है, यही टूल मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगाना है, सीधा लगाना, तो यहाँ पे उसका स्लॉट रहता है, ये 50 mm का स्लॉट है। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कितना 25 mm का है, 25 mm का है, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे इसको लगाना है यहाँ पे, तो होल्डर मैं मशीन के अंदर लगा दूंगा इधर, ठीक है, उसके अंदर क्या जाएगा, ये टूल जाएगा। अभी ये टूल इसमें पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा, दिख रहा है, क्योंकि ये 25 का टूल है और होल्डर का जो ये आईडी है ये 40 mm, तो मुझे 25 और 40 के बीच में इस प्रकार का स्लीव लगाना पड़ेगा, ओके। ये स्लीव क्या काम करेगा, तो इसमें टूल जाएगा मेरा, ये रहा, ठीक है। तो स्लीव का जो आईडी रहेगा ये कितना होगा, 25 mm होगा, और स्लीव का जो ओडी रहेगा वो 40 होगा, तो ये स्लीव इसमें बैठे, ये इसके अंदर इस प्रकार से चल रहा है, ये थोड़ा टाइट है, ओके। तो ये क्या करता है, ये दोनों के बीच का जो एरिया है वो कवर करता है। स्लीव क्या काम करता है, दोनों के बीच का एरिया कवर करता है। स्लीव का डायमेंशन अलग अलग रहेगा, यानी कि मान लीजिए आपका 10 mm का बोरिंग बार है, तो स्लीव का आईडी कितने का होगा, 10 का होगा, और स्लीव का ओडी 40 होगा। मान लीजिए आपका 25 का बोरिंग बार है, तो स्लीव का आईडी 25 का होगा, ओडी 40 होगा, ओडी फिक्स रहेगा, 40 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो होल्डर है उसका आईडी 40 है। किसी भी मशीन के ऊपर जाएंगे तो ये जो आईडी रहेगा ये 40 ही रहेगा, इसलिए आपका स्लीव का जो बाहर का डाया है ओडी है, जो हमेशा 40 रहेगा, बस चेंज कहाँ पे होगा, अंदर का।
अभी ये जो आपको दिख रहा है ये 40 का बोरिंग बार है, ठीक है, तो इसको मुझे स्लीव डालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट इसमें डाल सकता हूँ क्योंकि 40 और 40 मैच हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट बैठ जाए, तो इसको आपको स्लीव डालने की जरूरत नहीं। दूसरी बात देखिए, ये देखिए अभी मैंने मान लीजिए ये बोरिंग बार यहाँ पे ऐसा सेट किया, उसकी लेंथ हम हमें जितनी रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से हम लगा देंगे, ठीक है, तो उसको टाइट करने के लिए यहाँ पे आलंग की बोल्ट है, देखो दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे टाइट करेंगे, इसमें 5 mm का आलंग की बिट है, उससे क्या करेंगे क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक्सटर्नल होल्डर लगा के बोरिंग बार बिठा सकते हैं, जैसे छोटा बोरिंग बार है और बड़ा बोरिंग, सबसे बड़ा कितने का रहेगा, कितने का है 40, सबसे बड़ा बोरिंग बार कितने का रहेगा 40 mm, समझ में आया।